Hello, my dear student. Very good evening to all of you. Students, today we are going to start chapter number 5. Yes, chapter number 5. अब आप सोच रहे होंगे, मैम chapter number 4 तो हुआ नहीं है, तो leave that chapter, okay? Chapter number 4 को छोड़ दो, हम सीधा chapter number 5 करेंगे, okay? तो chapter number 5, How Prithviraj Chauhan won his bride. कैसे पृथ्वीराज चौहान ने अपनी दुल्हन को जीता, ब्राइड मतलब दुल्हन, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का नाम लेते ही आप लोग सब जानते होंगे कि कितने बड़े राजा थे, कितने बहादुर थे और कितने सारे उन्होंने इतिहास में अपनी अलग ही जगह बनाई है, ठीक है। तो ये कहानी भी पृथ्वीराज चौहान से ही रिलेटेड एक छोटी सी जीवनी के ऊपर है। अब आइए देखते हैं हम लोग पृथ्वीराज चौहान ने कैसे अपनी दुल्हन को जीता। पृथ्वीराज चौहान वॉज द लास्ट राजपूत किंग हु सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान राजपूतों के लास्ट राजा थे, मतलब जो राजपूत थे, राजपूत में से जो सबसे लास्ट राजा थे वो थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि दिल्ली सल्तनत में अपनी जगह बनाई थी। हिज कज़न जयचंद वॉज द किंग ऑफ कनौज। उसके कज़न जयचंद कहाँ के राजा थे, कनौज के राजा थे। पृथ्वीराज वॉज इन लव विथ संयुक्ता द डॉटर ऑफ जयचंद एंड द प्रिंसेस रिटर्न हिज लव। पृथ्वीराज संयुक्ता से प्यार करते थे, जो कि डॉटर थी जयचंद की, और प्रिंसेस भी उनसे प्यार करते थे। बट जयचंद वॉज द डेडली एनिमी ऑफ पृथ्वीराज। लेकिन जो जयचंद थे वो बहुत ही कट्टर दुश्मन थे पृथ्वीराज के, एंड रिफ्यूज्ड टू गिव हर डॉटर इन मैरिज टू हिम। और उसने शादी का प्रस्ताव अपने क्या बोलते हैं पृथ्वीराज का शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था कि मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी को। इंस्टेड ही ऑर्डर लेट संयुक्ता चूज हर हजबेंड एट एन ओपन स्वयंवर। और फिर ऑर्डर दिया कि चलो संयुक्ता को स्वयंवर में, मतलब स्वयंवर रचाया जाए ताकि वो खुद अपनी हस्बैंड खुद चूज कर सके। इन ओल्डन टाइम्स इन इंडिया, इंडिया में बहुत पुराने टाइम में प्रिंसेस एंड वुमेन ऑफ हाई बर्थ चोज ए हस्बैंड फ्रॉम अमोंग ऑल द प्रिंसेस एंड नोबल्स गैदर टुगेदर। हमारे पूर्वज के, मतलब हमारे राजा रानी के टाइम में जो रानियां होती थी या जो प्रिंसेस होती थी, राजकुमारी होती थी, वो अपना वर खुद ढूंढते थे, खुद चुनते थे। स्वयंवर रचाया जाता था, स्वयंवर में बहुत सारे राजाओं के बेटे आते थे और बहुत नामी नामी जो मंत्रीगण के बेटे वो सारे इकट्ठे होते थे, जो बहुत ही जाने माने व्यक्ति होते थे वो आते थे और स्वयंवर, उसी को कहते थे स्वयंवर, जिसमें जो प्रिंस होते, प्रिंसेस होती थी वो अपना प्रिंस खुद चूज करती थी, ठीक है। जयचंद फिक्स द डे ऑफ हिज गैदरिंग ऑफ प्रिंसेस फ्रॉम एमोंग हुम ही वॉन्टेड हिज डॉटर टू चूज हर हजबेंड। अब जयचंद ने एक डेट फिक्स किया, इस डेट को सारे प्रिंसेस राजकुमारों को दरबार बुलाया जाए। लेकिन उन्हीं राजकुमारों को बुलाया गया था जिनको वो चाहते थे कि उनकी बेटी के साथ शादी हो। ऑल द प्रिंसेस एक्सेप्ट पृथ्वीराज वर इन्वाइटेड टू हिज ग्रैंड फेस्ट। सारे राजकुमार उनके इस पार्टी में आए, उनके दरबार में आए, लेकिन पृथ्वीराज नहीं आए। जयचंद मेड ए क्ले इमेज ऑफ पृथ्वीराज एंड पुट इट अप इन मॉकरी एट द डोर ऑफ द वेडिंग हॉल। जयचंद ने क्या किया, मिट्टी का पुतला बनाया पृथ्वीराज का और शादी का जो हॉल होता है उसके डोर में रख दिया, मतलब एकदम मेन गेट में, एज अ डोर कीपर, दरवान बनाकर। द वेडिंग हॉल वॉज वंडरफुली डेकोरेट। वेडिंग हॉल बहुत ही सुंदर से सजा हुआ था। ऑल द प्रिंसेस हैड कम एंड वर सीटेड इन द हॉल इन ऑल देयर स्प्लेंडर। सारे प्रिंसेस आए, राजकुमार आए और अपने अपने आसन में बैठ गए।
फ्रॉम द इनर डोर एंटर द लवली प्रिंसेस, अंदर के दरवाजे से सुंदर सी प्रिंसेस मतलब राजकुमारी बाहर आई विथ ए मैरिज गार्लैंड इन हर हैंड। मैरिज गार्लैंड मतलब जो फूलों की माला होती है ना उसको गार्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो हाथ में फूलों की माला लेकर आई। शी वोर ए ब्यूटिफुल गोल्डन ड्रेस एंड वॉज एडॉन विथ ग्लिटरिंग ज्वेल्स। वो बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर का ड्रेस पहनी थी और ग्लिटरिंग शाइनी चमकीली ज्वेल्स में बहुत ही सुंदर लग रही थी। शी वॉक्ड विथ स्लो फुट स्टेप एंड पास्ड फ्रॉम वन रो टू अनदर। वो धीरे धीरे चलते हुए एक रो से दूसरे रो में गई। लुकिंग नेदर टू द राइट नॉट टू द लेफ्ट। वो ना तो राइट देखती ना तो लेफ्ट देखती। ईच ऑफ द प्रिंसेस होप्ड दैट शी वुड चूज हिम। हर एक प्रिंसेस को यही लगता कि वो उसको चूज़ करेगी। अरे नहीं, फिर दूसरे के पास जाती, अरे ये इसको चूज़ करेगी। नहीं, वो किसी के गले में अपना गार्लैंड नहीं डाली, बस संयुक्ता पास्ड बाय देम ऑल और सबको पीछे छोड़ के आ गई वो। शी वॉक्ड सॉफ्टली डाउन टू द हॉल डोर और धीरे से वो अपने डोर जो शादी का जो घर था जो हॉल था उसके दरवाजे में गई। एंड पुट द गार्लैंड अराउंड द क्ले इमेज ऑफ पृथ्वीराज। और जो मिट्टी का बना हुआ पुतला था पृथ्वीराज का उसमें अपना माला चढ़ा दी। फ्रॉम बिहाइंड द क्ले इमेज स्प्रैंग फोर्थ पृथ्वीराज हिमसेल्फ। और जस्ट उसी के पीछे से पृथ्वीराज बाहर निकले, मतलब वो क्ले इमेज जो थी उसके पीछे से पृथ्वीराज खुद सामने हाजिर हुए। He had come there uninvited and had hidden himself behind the clay image. वो बिन बुलाए मेहमान थे और अपने आप को उसी clay image के पीछे छुपा लिए थे। His horse stood ready at the door. उनका जो हॉर्स था वो बाहर में खड़ा हुआ था। In 1 minute he took up the lovely bride in his arm and put her on his horse back. Away galloped पृथ्वीराज विथ हिज प्रिंसेस वाइफ। और एक ही मिनट में अपनी दुल्हन को उठाए और अपने हॉर्स में बैठाए और वहाँ से उड़न छू हो गए। तो ऐसे पृथ्वीराज ने अपनी वाइफ प्रिंसेस को जीता। उसके बाद जयचंद वॉज फ्यूरियस। ही स्टार्टेड इन परसुएट ऑफ पृथ्वीराज। All the others princes joined in the chase, but Prithviraj rode as swift as the wind and with his lovely bride reached the gates of Delhi in safety. इसमें जयचंद बहुत ही गुस्से हो गए। वो पृथ्वीराज को ढूंढने के लिए भेज दिया, अरे कहाँ गया लेके निकल। और बाकी जो प्रिंसेस आए हुए थे राजकुमार वो भी जयचंद के साथ थे कि ऐसे कैसे ले जा सकते, ऐसा नहीं होगा ये वो। लेकिन पृथ्वीराज कहाँ सुनने वाला था। पृथ्वीराज अपनी बीवी को लेकर वो दिल्ली के गेट तक अच्छे से पहुंच चुके थे। अंडरस्टैंड, कैसी लगी? राजा रानी के टाइम में चले गए ना हम लोग। ओके, ये किसने लिया है ये तो मेरे को नहीं मालूम। नाउ योर होमवर्क इज टू राइट द ग्लोसरी पार्ट इन योर कॉपी। ओके नाउ एंड Use this word in sentence of your own. और आपको ये सारे word का sentence भी बनाने हैं। Understand? Sentence कैसे बनता है? I know you all are understand and you know how to write the sentence. Now, answer the following question. What is a swambar? इसका answer आपको यहाँ मिलेगा। In the olden times in India, the princess and the woman have chose a husband from among all the princes and noble get to, this is called swambar. This is answer number one. Okay, this is answer number one. In se lekar swambar tak. Whose swambar was being arranged and why? Samyukta. Samyukta. ठीक है, किसका स्वयंवर अरेंज किया गया था? संयुक्ता का। और वाई, क्यों किया गया था?
because Jaichand don't want to give his daughter hand daughter's hand to Prithviraj. Okay. Whom did Samyukta choose as her husband? Prithviraj Chauhan. Prithviraj Chauhan. Okay. How did the brave Prithviraj Chauhan carry the princess away? Iska answer yaha pe hai. In one, he took up the lovely bride in her and put horse in back away and galloped Prithviraj with his theek hai ye answer number 4 okay now true and false this true and false is totally is your homework Jaichand wanted his daughter to marry Prithviraj Chauhan जयचंद चाहता था कि अपनी डॉटर की शादी पृथ्वीराज चौहान से कर देना जयचंद डीपली एडमायर द गैलेंट चौहान क्या जयचंद चौहान को पसंद पृथ्वीराज चौहान जी को पसंद करते थे पृथ्वीराज वॉज नॉट इन्वाइटेड फॉर द स्वयंवर स्वयंवर में पृथ्वीराज को इन्वाइट नहीं किया गया संयुक्ता चोज द मोस्ट हैंडसम ऑफ द प्रिंस इन्वाइटेड टू द स्वयंवर संयुक्ता ने स्वयंवर में आए सबसे हैंडसम राजकुमार को चूज किया पृथ्वीराज वॉज हाइडिंग बिहाइंड हिज क्ले इमेज पृथ्वीराज अपने ही क्ले इमेज के पीछे छुपा हुआ था यस और नो आपको खुद से करने हैं ओके कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस द क्ले इमेज ऑफ पृथ्वीराज चौहान वॉज पुट अप बिकॉज क्यों क्ले जो था वो as a ठीक है क्यों क्योंकि जयचंद वॉन्ट टू शो दैट पृथ्वीराज इज लाइक अ डोर कीपर ऑफ देयर पैलेस संयुक्ता हेल्ड द मैरिज गार्लैंड इन हर हैंड बिकॉज संयुक्ता ने अपने हाथ में मैरिज गार्लैंड लेके रखा था क्यों बिकॉज Because it was Swayambar. Okay. Samyukta passed all the rows of seated princes because ये अब तीन ये आप खुद से complete करोगे chapter. Okay. Now choose the correct answer from the option given. Prithviraj Chauhan was the king of Kannauj. Was a gallant Rajput king. Was a rebel. कौन थे? कोई एक में tick करो. जयचंद वो संयुक्ताज केयर टेकर संयुक्ताज ग्रैंड फादर की संयुक्ताज फादर कोई एक में टिक करो संयुक्ता वॉज इन लव विथ पृथ्वीराज चौहान जयचंद प्रिंस फ्रॉम ए नेबरिंग स्टेट जो सही है उसमें टिक करो जयचंद एंड पृथ्वीराज चौहान वर बिटर एनिमीज ग्रेट फ्रेंड्स की नेबरिंग किंग्स ठीक है आपको जो सही लगता है उसमें आपको टिक करना है
So this one is also your homework. Okay, now this is राइटिंग स्किल. तो राइटिंग स्किल तो मैं आपको जब राइटिंग स्किल समझाऊंगी कि क्या क्या होता है तभी मैं आपको ये सब करवाऊंगी. ओके, नाउ टेस्ट योर ग्रामर. प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन मतलब अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स placed before a noun or a pronoun to show its relation with some other noun or pronoun in the sentence. Preposition हम तब लगाते हैं जब हमको ये पता करना रहता है कि किसी, जैसे ये पेंसिल का इस बुक से क्या रिश्ता है, मेरा आपसे क्या रिश्ता है, कौन सी चीज किस जगह में रखी हुई है, कौन सा चीज कहाँ पे है. ठीक है, ये सब चीज़ों को बताने वाला हमारा प्रीपोजिशन होता है. जैसे ये वर्ड देख लो, एटी, एट, ऑफ, ओवर, बाय, ऑन, अंडर, फॉर, अप, नियर, एसेट्रा. ये सारे वर्ड हमारे प्रीपोजिशन में यूज होते हैं. ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बताई कि ये बुक है, ये पेंसिल है. अब ये पेंसिल और बुक का रिश्ता क्या है? द पेंसिल इज ऑन द बुक. पेंसिल बुक के ऊपर रखी है. We write with the pencil on the book. हम लोग पेंसिल से लिखते हैं बुक में. ठीक है, तो ये सारे आपके प्रीपोजिशन कहलाते हैं. चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द टू गिवन इन द ब्रैकेट. आपके पास दो ब्रैकेट में दो वर्ड दिए हैं प्रीपोजिशन, उनमें से कोई एक को चूज करके आपको लिखना है. I catch राकेश बाय फ्रॉम द नेक. फ्रॉम द नेक कि बाय द नेक? फ्रॉम द नेक. द लीव्स ऑफ ट्रीज फॉल ऑफ इन ऑटम. द स्टूडेंट्स लेफ्ट द रूम वन बाय वन. वी शैल गो टू स्कूल बाय फुट कि ऑन फुट. हम स्कूल जाते हैं किस में? पैर से, बाय फुट की ऑन फुट. वी शैल गो टू स्कूल बाय फुट, पैर के सहारे. शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी. आई शैल रिटर्न इन एन आवर की विद इन एन आवर. प्लीज कीप ऑफ द ग्रास. रोहित इज गोइंग अप द स्टेयर. ये गोइंग ऑन द स्टेयर, गोइंग अप द स्टेयर. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन. आपको यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कॉफी. देयर इज ए नैरो ब्रिज ओवर द रिवर. किसके ऊपर रहता है? रिवर के ऊपर रहता है ना ब्रिज, तो ओवर द रिवर. वी स्लीप डैश द नाइट. वी स्लीप एट द नाइट. द स्पैरो इज सिटिंग ऑन द ट्री टॉप. अखिल डील्स विथ क्लोथ. ओके, चूज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड टू रिप्लेस द फॉलोइंग फ्रेज. आपको यहाँ पर फ्रेज दिया गया है, उसको इन बॉक्स से में दिए हुए वर्ड से रिप्लेस कर देना है. प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट टू बी बोरोड फॉर रीडिंग. वो प्लेस जहाँ पे आप जाके बुक लेके फिर से लौटा सकते हो, क्या कहलाता है? लाइब्रेरी. वेरी गुड. The land surrounded by sea on all side. चारों साइड से समुद्र से घिरा हुआ जगह क्या कहलाता है? बताओ बताओ. आइलैंड. वेरी गुड. ओके, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है हिंट को और समझना है कि यहाँ पे क्या आएगा. ठीक है, बाकी आपका पूरा होमवर्क है.
Okay. Now, it's over. हमको ये नहीं करना है. So, chapter number 5 over. Okay. Now, only one chapter is left. That is chapter 6. And we will do in this one in our next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye-bye.